एवरीवन, थैंक यू वेरी मच आपके इतने सपोर्ट के लिए। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे और कुछ क्यू एंड ए भी रहेंगे। यहाँ हम ड्रॉप करने को लेकर जो मिथ्स और कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर करेंगे, सो दैट यू कैन मेक योर ओन डिसीजन कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं, या फिर आप ड्रॉप का क्यों ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे डिस्कशन का ये है कि हु शुड कंसिडर टू ड्रॉप एन ईयर। दिस वीडियो ऑल्सो इंक्लूड Q&A. So, firstly, आप हमारे वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जैसे जैसे नीट रिजल्ट डिले हो रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। दिल को थामे रखिए, जिनका नीट एग्जाम अच्छा गया था वेरी गुड, और जिनका नीट एग्जाम अच्छा नहीं गया था डोंट वरी, दिस इज नॉट द एंड आफ्टर ऑल। आप पहले ये देखो कि आप कितने कैपेबल हो, किस में इंटरेस्ट है और कितना आप में पोटेंशियल है। एक तो प्रॉब्लम को सोसाइटी और सिस्टम की भी है। जैसे ही बायोली बस अब तो MBBS करना है, MBBS करने का दिमाग में डालते रहते हैं, अब तो डॉक्टर ही बनना है सरकारी अस्पताल में। अरे भाई MBBS मिला तो ठीक, वरना क्या लाइफ खत्म। इस वीडियो में मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी बात बताने वाली हूँ कि आगे लाइफ में आपको इंकरेजमेंट मिलेगा, प्लस डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलेगी। लाइफ में किसी भी मंजिल को पाने का एक प्रोसेस होता है, उसके लिए एक पाथ से गुजरना पड़ता है, और वो पाथ वो रास्ता आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, उसमें कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। और उस रास्ते से गुजरते वक्त बस हम मंजिल को ही नहीं पहुंच रहे होते हैं बल्कि कुछ लेसन्स ले रहे होते हैं, कुछ सबक दे रहे होते हैं, और हर बात में हर रास्ते में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती ही हैं, छोटी हों या बड़ी। बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, क्या हम कमज़ोर पड़ते हैं या फिर हम खुद को फिर से जोड़ कर पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। आफ्टर एनी एग्जाम इधर यू विन और इधर यू लर्न। सेटबैक हो भी गया तो क्या हुआ, आगे जाकर किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं पूछता कितनी बार आपने ड्रॉप किया है डॉक्टर साहब, कोई नहीं पूछता, ना कोई पूछता है ना ये मैटर करता है। मैटर करता है तो ये कि आप उसको अपना बेस्ट ट्रीटमेंट दो बस। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो ये कहते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा के उनको जो है आराम नहीं मिला, लेकिन एक दाई को दिखाया तो फटाफट आराम मिल गया। यहाँ मैं कैटरी को अच्छा नहीं कह रही हूँ, लेकिन उस पेशेंट को जिससे आराम मिला वो तो उसी की ही तारीफ करेगा, उसका ही तो नाम लेगा ना। अच्छा आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? इफ यस देन यू शुड नॉट थिंक एनीथिंग, जस्ट टेक अ ड्रॉप विदाउट एनी डाउट। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट नहीं होता मैम? द आंसर इज यूजुअली नॉट। व्हाई सो? टू आंसर दिस ऑनेस्टली, फर्स्ट डिड यू फिनिश ऑल सिलेबस सिंसियरली, डिड यू प्रैक्टिस MCQ ऑन डेली बेसिस जेन्युइनली, डिड यू रिव्यू योर क्वेश्चन एंड आंसर्स आफ्टर एवरी टेस्ट, डिड यू मार्क एंड इम्प्रूव योर मिस्टेक्स आफ्टर ईच ग्रैंड टेस्ट? If most of the answer is yes, probably this is your best attempt. ये आपका best attempt हो सकता है, but कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं miss हुआ ही है। तो सबसे पहले आप अपनी गलती को पहचानिए, उसे सुधारिए। Mistakes are the best teachers. उन्हें सुधार कर ही आप अपने स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। फिर डेफिनेटली आपकी रैंक भी इम्प्रूव होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑनलाइन क्लासेस करें या ऑफलाइन बेटर रहेगा। आप चाहे तो इसका एक अलग डिटेल वीडियो भी कर लेंगे, पर अभी आप सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ही डिसाइड करिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन कोचिंग से बन रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हर किसी को इसे एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। सेकेंड मेन पॉइंट इज कि आपको अपने डाउट्स क्लियर करने पर फोकस रखना है, अब चाहे ये ऑनलाइन में हो या फिर ऑफलाइन में अवेलेबल हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, इसकी क्या गारंटी है कि ड्रॉप करने से फायदा ही हो, क्या हमारा एक साल खराब नहीं हो जाएगा? तो साल बर्बाद होने वाली बात के लिए मैं कहूंगी कि एक साल की बात नहीं है, ये सिर्फ 6-7 महीने की भी नहीं है, लाइफ की बात है, करियर की बात है। अगर 6-7 मंथ्स को आप अच्छी प्लानिंग से अच्छे से स्ट्रेटजी बनाकर चलते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स और रैंक विल बी हाई। और रही बात गारंटी की, तो गारंटी किसी चीज की भी नहीं है, ना ही लाइफ की है, कौन जानता है कल क्या हो और हम इस दुनिया में हो भी या नहीं। वी ऑल नो एवरी सोल शैल टेस्ट डेथ, और एक बार सिलेक्शन हो गया ना तो
कोई पेशेंट नहीं पूछता कि आपने ड्रॉप किया था या नहीं, या कितने अटेम्प्ट में आपका हुआ था डॉक्टर। किसी को याद नहीं है कि एलन मस्क ने कितनी बार फेल हुआ, जैक मा कितनी बार फेल हुआ, काइल जॉर्डन कितनी बार गोल नहीं कर पाया। नो वन रिमेम्बर। दुनिया केवल आपके अचीवमेंट्स को याद रखती है, तो अचीवर बनो। और महल बनने में टाइम भी ज्यादा लगता है। आई होप सब फ्रेशर्स को जिन्होंने भी नींव दिया है, सबको मेरी बात क्लियर होगी। अब मैं उन बच्चों की बात करूंगी जिन्होंने अपने मार्क्स काउंट कर लिए हैं और उन्हें पता है कि उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, इस बार उनका नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों के लिए मैं एक फेमस शेर सुनाना चाहूंगी, डॉक्टर इसरार अहमद का शेर है ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार बिगाड़ जाएगी, धरती के कोनों खड्डों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है, एक फसल पकी तो भर पाया, तब तक तो यही कुछ करना है। एक कोशिश नाकाम हो जाए तो परवाह नहीं करनी, फिर नेक्स्ट, फिर तैयारी करो फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऐसा ना हो रिजल्ट आने पर हिम्मत जवाब दे जाए तुम्हारी, ना उम्मीद ना हो जाना, क्योंकि जब तक जान है तब तक जहान है। हो सकता है आप उतना अच्छा ना कर पाए हो जितना अच्छा आपने सोचा था, या हो सकता है आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड ना हो, आपकी रैंक उतनी अच्छी ना आई हो जितनी आपने सोची हो, बट सबसे इम्पोर्टेंट है आपका माइंड सेट। डू यू नो वॉट मेक्स यू ग्रेट? एनी वन कैन हैंडल सक्सेस बट हाउ यू हैंडल द फेलियर इज वॉट मेक्स यू ग्रेट। अभी आपका माइंड कन्फ्यूज होगा, आपके दो माइंड सेट होंगे कि ड्रॉप करें या एडमिशन ले लें किसी में। देखिए यहाँ मैं आपको एक ड्रॉपर का क्या माइंड सेट होना चाहिए ये बताऊंगी, जिससे आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं। एक क्वेश्चन आता है, डॉक्टर क्या होता है? लोगों के लिए तो चिकित्सक है, बट मैं यह आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट पूछना चाहती हूँ कि भाई डॉक्टर होना कैसा होता है। डॉक्टर बस एक टर्म नहीं है, डॉक्टर अपने आप में वो एक पोटेंशियल सब्जेक्ट है जो इंस्पायर करता है अपने जूनियर्स को, जिसमें कर्टिसी होती है अपने पेशेंट्स को लेकर, जो कॉन्फिडेंट होता है पेशेंट्स के लिए फास्टेस्ट येट इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथड में, जो स्किल्ड होता है अपनी जॉब में मशीन की तरह, जो फोकस्ड होता है सर्जरी में लेजर की तरह, और जहाँ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ आप खुद पैनिक कर जाओ, वहाँ डॉक्टर एक तरफ पेशेंट्स को दवाई दे रहा होता है, दूसरी तरफ उनका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनता है, तो कहीं बूढ़े माँ बाप को सहारा देता है, तो कहीं बच्चों में मुस्कान बिखेरता है। सबसे अहम होता है अपार घड़ा पेशेंट्स का, इमोशंस का, तब भी हर सिचुएशन में खुद को बैलेंस रखता है, क्योंकि हर सेकंड डॉक्टर को पता होता है उनकी छोटी सी भी गलती किसी की जान ले सकती है। तो अगर आपके मन में आ रहा है ड्रॉप करने का, तो आप जरा सा रिफोकस करें खुद को और देखें क्या वाकई में मेरे अंदर ड्रॉप करने का पेशेंस है। हो सकता है आप एकेडमिक में अच्छे हों, आपके ग्रेड्स स्कूल में अच्छे आ जाते हों, बट आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफाई ही नहीं हो। हो सकता है मेरी बात आपको डीमोटिवेट कर रही हो, पर यही सच्चाई है। अगर आपने कुछ साल लगा के MBBS ले भी लिया, तो वहाँ 5.5 साल जो प्रेशर झेलना पड़ेगा उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और बाद में आपको लगे अरे यार मैं कहाँ फंस गया, उससे अच्छा है अभी ही खुद को रिफोकस करो, टाइम दो खुद को और रिलैक्स होकर सोचो कि क्या मैं अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर पाऊंगा, अपने इमोशंस को साइड कर पाऊंगा, क्या मैं खुद पर अपनी फैमिली पर अपने पेशेंट्स को प्रायोरिटी दे सकता हूँ। अगर हाँ तभी ही नेक्स्ट ड्रॉप का सोचें, वरना बाद में भी बहुत लोग मेडिकल कॉलेज छोड़ देते हैं 1-2 साल बाद ये सब रियलाइज करके। आपके पास वक्त है, खुद को वक्त दो और सोचो। जो एक से ज्यादा बार नीट दे चुके हैं उनसे मैं कहूंगी दूसरी अपॉर्चुनिटी नसीब वालों को मिलती है, सो मेक गुड यूज ऑफ इट। अब आप एक बार नीट दे चुके हो, 2 बार या 3 बार, अटेम्प्ट से फर्क नहीं पड़ता जब तक आप अपनी गलतियां नहीं सुधार लेते हैं। अब आप चाहे 10 बार नीट दे दो और वही गलतियां दोहराते रहो, इससे ना तो आपका स्कोर इम्प्रूव होगा ना आपकी रैंक। अगर आपको अपनी रैंक इम्प्रूव करनी है, अपना स्कोर अच्छा करना है, तो अपनी गलतियों को माफ करो, उन्हें सुधारो पहले। अगर आप अपनी गलतियां इम्प्रूव कर सकते हो तभी ड्रॉप का सोचना, अगर नहीं तो आप अपना प्रेशियस टाइम एंड मनी दोनों ही वेस्ट ना करें। जो भी आपको मिल रहा है आप ले लें, दिस इज ऑनेस्ट ओपिनियन। आपने नीट दिया, आप यहाँ तक पहुंचे, यही अपने आप में एक विक्ट्री है। यहाँ तक पहुंचने के सफर में जो भी मुश्किलें आपने उठाई वो आपको आगे के सफर में हेल्प करेंगी। ये ड्रॉपर्स के लिए हैं, जैसे कि आपने बहुत से ग्रैंड टेस्ट दिए होंगे, कुछ में मार्क्स कम भी आए होंगे, तो उस वक्त आपने खुद को मोटिवेट किया होगा, खुद को और मेहनत करना सिखाया होगा, खुद को जोड़कर फिर से खड़ा किया होगा और प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया होगा। कई कई बार ऐसा हुआ होगा, नीट प्रिपरेशन एक स्लो और स्टेडी होती है,
और आपने ये सीखा होगा लॉन्ग आवर्स तक कैसे स्टडी करते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं और स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं। और कॉलेज में पहुँच कर जब आप लोग प्रोफेशनल एग्जाम्स दोगे, आप देखोगे जिन लोगों ने ज़्यादा ड्रॉप किया होता है वो स्ट्रेस को बेटर वे में डील कर पाते हैं या स्टडीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब क्वालिटीज़ डेवलप कर ली थी नीट प्रिपरेशन के टाइम पर ही। और ये नीट रैंक, नीट स्कोर बस थोड़े टाइम का ही शोर होता है, उसके बाद सब खुद ही मैनेज करना होता है कॉलेज जाने के बाद। और वहाँ की जर्नी में थ्रू आउट यही क्वालिटीज़ हेल्प करती हैं, हर एक स्टेप पे स्ट्रगल होता है, बट वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो परसिस्टेंट होते हैं, जो बाउंस बैक करना जानते हैं, हारने के बाद खुद को जोड़कर खड़े होते हैं, उन्हीं को दुनिया सलाम करती है, वही लोग इतिहास रचते हैं। मेरे ड्रॉप के लिए पहले कोई एग्री नहीं था, बट एट दैट टाइम मुझे पता था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, तो मैंने खुद को एक चांस दिया। अभी बहुत सी कमी थी जो दूर करनी थी। हम सबको पता होता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। खुद को चांस देना चाहिए कि कहीं बाद में आपको रिग्रेट ना हो, क्या पता हो जाता, मैंने खुद को चांस नहीं दिया, इस चीज़ का रिग्रेट ना हो। वैसे भी फर्स्ट टाइम आपके पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी का कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं होता, हम सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं और हमें उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये ड्रॉपर्स की क्वालिटीज़ आप में हैं या आपको लगता है कि विद टाइम ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप डेवलप कर लोगे तो ही आप ड्रॉप करने का सोचें, वरना अगर आप अपने सर्कमस्टेंसेस को और अपनी अप्रोच को चेंज नहीं करते और आप अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का दोबारा से। आई एम ऑनेस्ट बट लिटिल ब्लंट फॉर यू, आई एम सेइंग इट बिकॉज द आउटकम विल रिमेन द सेम, रिजल्ट इम्प्रूव ही नहीं होगा। सो डिसाइड फर्स्ट व्हाट यू वांट, फिक्स इट। अगर ड्रॉप करने का सोचा है तो प्रॉपर स्ट्रेटजी शेड्यूल के साथ करें, जिसमें आपको हमारी तरफ से गाइडेंस भी मिलती रहेगी, पर कोचिंग कोर्सेज की तरह नहीं, मेंटर की तरह। आप जो भी डिसीजन लो, सील इट एंड नेवर टर्न बैक विदाउट एनी रिग्रेट। और एडमिशन लेना चाहते हो तो लेट अस नो, उसके लिए भी हम अलग वीडियो कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।